आयतुल्ला बहजत भी ये बात कहते थे कि बहुत से बुजुर्गान तो ऐसे भी गुजरे कि जो पूरे माह रमजान की तमाम रातों को जागते थे। अलबत्ता बहरहाल शब कदर जो है वो शब 23 रमजान पे ज्यादा रुझान है। उलमा का जो रिवायात इस सिलसिले में आई हैं कि शायद ज्यादा कवी बात यह है कि शब 23 रमजान ही शब कदर है। अच्छा, आयतुल्ला सिस्तानी भी ये बात फरमाते रहे हैं और आयतुल्ला खोई भी ये बात कहते थे कि बहरहाल शब 23 खासतौर 21 और 23 में रुझान है और उसमें भी 23 का रुझान जो है वो ज्यादा है। जिस शब 27 का रिवायात में शब कदर के उनवान से याद नहीं किया गया है उसको, लेकिन इस रात को भी आयतुल्ला सिस्तानी भी ये फरमाते, उनसे सवाल लिख के पूछा गया है और दीगर महाराजे का भी ये नजरिया है कि यही आमाले कुरान या आमाले शब कदर ये शब 27 रमजान को भी रिजाए मतलूबियत की नीयत से अंजाम दिए जा सकते हैं, बल्कि आखिरी तमाम रातों को भी, और उसमें भी इंशाल्लाह आका सिस्तानी फरमाते हैं कि जो है वो रात भर जागकर इबादत का सवाब और वो सब भी इंशाल्लाह परवरदिगार उसके अंदर भी वैसे ही सवाब आपको देगा। लेकिन ये कि बहरहाल शब कदर के उनवान से तो शब 27 को याद नहीं किया गया है। अलबत्ता एक क्योंकि हम ऐसे माशरे के अंदर रह रहे हैं कि जो कि गैर शिया मुसलमान हजरात का भी यही इस माशरे के अंदर अक्सरियत है, तो वहां पर शब 27 बड़े उससे मनाई जा रही होती है बड़े एहतमाम से। हालांकि उनके यहाँ भी 21 की रिवायात भी हैं, 23 की रिवायात भी हैं, आखिरी तमाम ताकरातों की रिवायात भी हैं। अलबत्ता कुछ शोहरत शब 27 जो है वो पा गई है, लेकिन उनकी भी उलमा अहले सुन्नत की भी अक्सरियत इस बात की कायल है कि जरूरी नहीं है कि शब कदर जो है वो हर साल एक ही रात हो। उनका नजरिया ये है कि शब कदर हर साल अलग अलग रात हो सकती है, कभी 21वीं हो सकती है, कभी 23वीं हो सकती है, कभी 25वीं हो सकती है, कभी 27वीं हो सकती है, कभी 29 हो सकती है। तो आखिरी तमाम ताक रातों में ही एहतियातन जागकर इबादत अंजाम ले ली जाए तो आपको शब कदर हासिल हो जाएगी। उनके बकौल हमारे यहाँ आखिरी ताक रातों के अंदर भी जो ताक रातें हैं आखिरी अशरे की, उसमें भी 21वीं, 19वीं, 23वीं में ज्यादा खसूसियत है और 23 में और ज्यादा खसूसियत है। अच्छा, अब एक अलबत्ता शब 27 की एक दुआ आती है जिसपे लोग इस पे जरा एतराज करते हैं कि जो 27वें दिन की जो दुआ है माह मुबारक रमजान की, उसके अंदर यह आया कि अल्लाहुम्मा अरज़ुक़नी फ़ीहि फ़ज़्ले लैलतिल क़द्र, कि ए परवरदिगार आज के दिन मुझे लैलतुल कदर का फजल इनायत फरमा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो है इसका कोई ताल्लुक शब 27 का शब कदर से है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि बहरहाल शब 27 जो है वो शब कदर के उनवान से तो नहीं है, और ये अलबत्ता एक दुआ है। दुआ है कि यानी आप 27 रमजान की को भी इबादत करके आप कह रहे हैं कि परवरदिगार मुझे इस दिन शब कदर का फजल इनायत फरमा, वो तो आप आम दिनों में भी दुआ करके खास तौर पे कह सकते हैं। अच्छा, आप मैं भी थोड़ा सा ये चीज बयान हो जाए, बहुत सी रिवायात में ये बात भी आई है कि जिस वक्त इंसान जो है वो प्यास में पानी पीता है और उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करता है, उनकी प्यास को याद करता है और उसके बाद उनको जो है उनको याद करके मसलन उनके ऊपर सलाम भी भेज देता है वो दुरूद सलाम, और उसके बाद उनके दुश्मनों के ऊपर जो है वो नफरीन और लान करता है उस मौके पर पानी पीते वक्त, तो उसको भी शब कदर का सवाब जो है वो दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी आप हम ये नहीं कह सकते कि जिस वक्त वो ये काम कर रहा है किसी शब में ऐसा काम कर रहा है तो उसे वो रात शब कदर जो है वो करार पा जाएगी, यानी उसमें उसका फजल तलब किया जा रहा है शब यानी 27 के रोज के परवरदिगार इस दिन मुझे उसका फजल इनायत फरमा। जिस तरीके से कहा जाता है रिवायत में ये भी पैगंबर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स नमाज ईशा को बाजमात अदा करे उसे शब कदर जाग कर इबादत का सवाब दिया जाता है, यानी शब कदर जाग कर जो इबादत अंजाम देता है कोई शख्स, तो यानी इसमें भी कोई शख्स नमाज ईशा को बाजमात अदा करे और खुदा से इस बात का तकाजा करे कि मुझे इस रात शब कदर का जो सवाब परवरदिगार इनायत फरमाए।
इसी तरह से पैगंबर अकरम ये बात भी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कदर की तिलावत करेगा अल्लाह उसको माह रमजान में रोजे रखने और शब कदर में जागते रहने का सवाब इनायत फरमाएगा। इसका मतलब है आम दिनों में भी आप सूरह कदर की तिलावत से शब कदर का सवाब हासिल कर सकती हैं और परवरदिगार से दुआ कर सकती हैं कि इस सूरह कदर के नतीजे की तिलावत के नतीजे में आपको शब कदर का सवाब अता फरमाए। आयतुल्ला शेख मोहम्मद सनद जो इस वक्त भी इराक में हैं और बड़े उलमा और मुज्तहिदीन में इनका शुमार होता है और इनका दरस खारिज वगैरह भी नजफ में होता है, तो ये आयतुल्ला शेख मोहम्मद सनद ये फरमाते हैं कि इनके जो उस्ताद थे आयतुल्ला हाशिम आमोली, आयतुल्ला हाशिम आमोली फरमाते थे कि शब कदर जो है ना वो कहते थे इसकी नजूल बरकात ये फकत ये 21 और 23 में नहीं है बल्कि इसका सिलसिला शुरू हो जाता है शब नीमा शाबान से। आयतुल्ला हाशिम आमोली फरमाते थे कि शब कदर के फजाइल और नजूल बरकात का सिलसिला 15 शाबान से शुरू हो जाता है, शब 15 शाबान से, और फरमाते हैं सिलसिला चलते चलते माह रमजान और मुबारक तक आता है, ये बरकात और रहमतें नाजिल होती रहती हैं यहां तक कि शब कदर आ जाती हैं 19वीं 21वीं और 23वीं और फिर आगे बढ़ती हुई 25 27 29 और यहां तक कि सिलसिला नजूल बरकात का शब कदर के हवाले से ये शब ईद तक ये सिलसिला चलता है, शब ईद तक। तो उस लिहाज से शब कदर की जो फजील, जब ये उनसे पूछा गया कि भाई शब 27 गुजरने के बाद जो 27वें दिन की जो दुआ है माह रमजान और मुबारक की उसमें भी कहा जा रहा है कि शब कदर का फजल इनायत फरमा, तो उन्होंने कहा कि असल में ये इसकी नजूल बरकत आयतुल्ला हाशिम आमली के हवाले से बात बयान फरमाई कि तो 15 शाबान से सिलसिला शुरू हुआ हुआ है और वहां से होते होते फिर ये शब कदरों तक सिलसिला आया और उसके बाद शब ईद उल फितर तक ये नजूल बरकात का सिलसिला शब कदर का रहेगा। तो बहरहाल उस लिहाज से इसकी फजल को तलब करना आम दिनों में आम रातों में या किसी भी अमल के जरिए बहरहाल इंसान दुआ कर सकता है परवरदिगार से कि परवरदिगार मुझे रोजाना ही शब कदर का सवाब इनायत फरमा दे, कुछ ऐसे अमल भी बिलखसूस अगर इंसान इस लिहाज से अंजाम दे। तो ये जब भी आपने देखा है होगा कि जो रिवायत आई है हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो रात है शब ईद उल फितर ये शब कदर से कम नहीं, ये क्यों ये बात कही गई, इसी वजह से कि ये नजूल बरकात का सिलसिला शब नीमा शाबान से शब ईद उल फितर तक चलता रहता है। अच्छा, अलबत्ता एक किताब है जिसके हवाले से लोग शब 27 के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा था ना इससे पहले, कहनी इसमें भी रिजाय मतलूबीत की नीयत से अमाल कुरान भी आप कर सकती हैं, अमाल शब कदर भी अंजाम दे सकती हैं, बल्कि हमारे उस्ताद मोहतरम तो ये बात बयान फरमाते हैं कि यानी इसकी शब 27 जो है वो कमो बेश से तकरीबन वही हैसियत है जिस तरह हमारे यहाँ 19 और 21 की होती है। शब 23 की तो खैर यकीनन बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन वो फरमाते हैं इबादत के एतबार से शब 27 को भी और अल्लाह से परवरदिगार से फजल भी चाह सकता है इंसान के इस रात इबादत अंजाम दे और शब कदर का सवाब परवरदिगार से तकाजा करे। तो अनवार खमसा के नाम से मुकद्दस जंजानी की एक किताब है जो उर्दू तर्जुमा भी हुई है, खमसतुल अनवार जो इनकी किताब है उसका ये उर्दू तर्जुमा है, उसके अंदर एक पोस्ट वायरल की जाती है यानी शब 27 को एक लिहाज से कि इस रात ना कोई शख्स इबादत अंजाम दे ना कुछ करे, उसके अंदर ये यानी अब उसका लुब लुबाब और खुलासा उसका ये है कि जब 26 रमजान का दिन था जब मदीने में ये इत्तला पहुंची 40 हिजरी में का अमीरुल मोमिनीन ज़र्ब इब्ने मुलजिम से जांबर नहीं हो सके और 21 रमजान की सुबह को दारे फानी से कूच कर गए, तो इस इत्तला से पूरे मदीने में अजीम कोहराम बर्पा हो गया कि कयामत का समा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जब शाम में हाकिम शाम को इत्तला मिली तो उसने उस दिन को ईद के तौर पर मनाने की खातिर 27 रमजान की शब को शब कदर होने का ऐलान किया, मस्जिद उमवी में चिरागा किया गया, यहां तक कि 27 रमजान की शब बड़े अहतमाम से मनाई जाती है। यानी इस किताब के अंदर उन्होंने कहा कि ये लिखा हुआ है कि सुन्नत रसूल में कहीं भी शब 27 की खसूसियत के साथ शब कदर को नहीं बताया गया, ना इस्लामी तारीख में इसका वजूद मिलता है ना खुलाफाए सलासा के दौर में इसका कोई वजूद था इसका। तो बहरहाल ये खास तौर पर हाकिम शाम ने मौला की शहादत की खुशी के अंदर इस रात को शब कदर करार दिया और किताब का हवाला उस लिहाज से अनवार खमसा का जो है ये दिया जाता है।
अच्छा अब देखिए बाज़ोकात हवाले भी जो होते हैं ना, इसको इस तरह से चेक कर लेना चाहिए। लोग कहेंगे देखिए इस किताब का नाम है, कुम से छपी हुई किताब है और उसके अंदर ये बात लिखी हुई, इसका उर्दू तर्जुमा भी हो गया है और ये असल पेज है उसका। इसमें आपने देखा कि ये पूरी बात वही लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाई, लेकिन आखिर में ब्रैकेट में नीचे ये क्या है, ये पूरी चीज ब्रैकेट में है और ये नाशिर ने सबसे आखिर में देखें लिखा हुआ है नाशिर, यानी ये खुद मुकद्दस जंजानी जो आलिम दीन है उनकी उन मजालिस की किताब है। ये आमतौर पर इसमें कोई ऐसे मजबूत हवाले भी नहीं है लिखे हुए हैं, लेकिन ये कि ये चीज जो नाशिर है जिन्होंने इसको नशर किया है किताब को, ये उनका एक फुट नोट है, एक लिहाज से उन्होंने उनका एक नोट है जो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, ये खुद इस किताब के अंदर नहीं है। तो बहरहाल किसी भी मोतबर हवाले से ये चीज साबित नहीं कि शबे 27 को हम जो है वो इसमें आमाल अंजाम ना दें। कुम तक के अंदर तकरीबन आयतुल्ला शेख मोहम्मद सनद ने भी इस बात को लिखा है कि 70 साल पहले से बाकायदा इस रस्म का भी बहरहाल वहां इजरा हुआ है कि शबे 27 को भी इसी तरीके से शबे कदर की तरह से आमाल अंजाम दिए जाते हैं। अलबत्ता शबे कदर का अलग से रिवायत में तस्करा तो नहीं आ गया, लेकिन ये ऐसी कोई माजल्ला कोई दुश्माना ने अहले बैत के मनाने वाली रात के हवाले से इसको हम अहमियत इसकी कम नहीं कर सकते कि भाई इस तरह से ये चीज मिली है तो लोग कहेंगे भाई आज की रात तो हम शबे 27 जो आने वाली है कुछ दिन बाद, आप कहेंगे नहीं ये तो इसको नहीं इसमें इबादत करनी चाहिए, नहीं इसको मनाना चाहिए क्योंकि ये तो इस तरह से एक दुश्माना ने अहले बैत की सीरत के हवाले से एक बात आई, जबकि ऐसा नहीं है। ये नाशिर ने अपनी तरफ से बहरहाल जिसका कोई मोतबर हवाला भी नहीं है ये इस अंदाज से लिखा, और जो असल किताब है उसके अंदर ये चीज नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर एक चीज लिखी गई है नाशिर की तरफ से। तो ये भी बाज़ औक़ात लोग उसके अंदर तो नहीं है, इससे पहले जो मैंने आपको पोस्ट टाइप की जो वायरल की जाती है वो ये वाली चीज है कि मुहिब्बान अहले बैत तवज्जो फरमाएं, ये कोई शब कदर नहीं है। यानी फिर उसके बाद जाहिर है जब आदमी सब ये चीज पढ़ेगा तो उसका दिल बिल्कुल रागे भी नहीं होगा कि वो शब कदर के कोई यानी इस रात कोई अमाल भी अंजाम दे या इस रात को जाग कर भी गुजारे।